डियर थर्ड्स एंड आदरणीय मंचासीन सभी गुरुजनों को प्रणाम और मेरे सभी आदरणीय साथियों को भी नमस्कार। और जैसा कि आज जो मुझे टॉपिक मिला है तात्कालिक भाषण के लिए, श्रीनिवास रामानुजन जी का गणित के क्षेत्र में प्रमुख योगदान। तो अब पिछले तीन दिवस से हमारे कॉलेज में प्रोग्राम चला आ रहा है रामानुजन जी के जयंती के उपलक्ष में। तो रामानुजन जी जो थे गणित के क्षेत्र में एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे और इनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के एरोड नामक गांव में हुआ था। और जब एक वर्ष इनकी आयु थी तो इनके जो माता पिता थे वही तमिलनाडु के कोमकुम्बरम में शिफ्ट हो गए और वहीं से इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही इनकी जो गणित के प्रति विशेष रुचि थी और असाधारण प्रतिभा के जो धनी थे वो कैसे साबित हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल की परीक्षा थी पूरे जिले में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनसे ही इनकी गणित के प्रति जो विशेष रुचि थी उसका और असाधारण प्रतिभा थी वो शिक्षकों ने पहचाना और मात्र 13 वर्ष की आयु आते आते तक त्रिकोणमिति में इन्होंने महारत हासिल कर ली। त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली। अब आगे जो इनकी शिक्षा हुई, 10वीं तो ये पास हो गए, 11वीं क्लास में जब ये अध्ययनरत थे तो ये हुआ कि गणित विषय में तो इनकी रुचि थी तो गणित को ही इन्होंने बस पढ़ा और बाकी विषयों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जो कक्षा 11वीं थी उसमें ये गणित में तो पास हो गए, टॉप थे, बट अदर विषय में जो थे फेल हो गए। फिर लेकिन गणित इन्होंने नहीं छोड़ा, इसके बाद भी इन्होंने गणित नहीं छोड़ा। फिर गणित को ही लेके आगे बढ़े। अब चूंकि बड़े हो रहे थे तो इनको मतलब जीवन अपना गुजारने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं क्योंकि इनके पिताजी थे वो कपड़े की दुकान में मुनीम थे, माता गृहिणी थी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखती थी। तो इन्होंने तमिलनाडु मतलब आके कोयम्बटूर आके और वहां पर बच्चों को गणित की से ट्यूशन देना शुरू कर दिया। ट्यूशन देने से कुछ पैसों इनके आए, जीवन गुजरना चालू हुआ। फिर भी ये जॉब की तलाश में रहे तो जहां भी जाते थे 11वीं फेल की मार्कशीट देख के इनको जॉब नहीं मिलती थी। फिर वहीं पर एक डिप्टी कलेक्टर थे श्रीनिवास अय्यर जी, उनके पास किसी ने बोला कि वो गणतज्ञ हैं, उनके पास आप जाइए। तो उनने इनकी प्रतिभा को पहचाना, फिर इनको वहीं पे एक क्लर्क की जॉब दी। जी बस दो लाइन में आखिरी में कहना चाहूंगा, कोई मुश्किल बताता है कोई आसान समझता है, कोई मुश्किल बताता है कोई आसान समझता है, गणित विषय ऐसा है जिससे हर कोई डरता है। क्या है राज इसका मैं आपको बताता हूँ, क्या है राज मैं आपको बताता हूँ, जो रटता है वो रोता है और जो समझता है वो हंसता है, जो समझता है।